नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। राजस्थान का 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में पेश किया। इस बजट पर सत्ता विपक्ष और आमजन ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया और बजट पेश होने पर सत्ता पक्ष, विपक्ष और आमजन की अलग अलग राय रही। बजट पर सभी के अलग अलग बोल रहे, जहां सत्ता पक्ष ने इस बजट को 360 डिग्री का बताया। तो देखा जाए तो उनको भी नहीं मिला, बहुत ढिंढोरा पीटा गया था कि भाई कृषि का बजट अलग रहेगा और आम बजट अलग रहेगा। तो कृषि का बजट देखा जाए तो कुछ भी नहीं है कृषि के बजट में। आम कृषक जो है, कोई योजना नहीं बनाई ना कुछ बजट में, कहा है निगम की जमीन को लेकर। तो कुल मिला के जो है ये बजट है जो अजमेर शहर के लिए मतलब कोई खास नहीं दिया। पुलिसिंग, नए थाने, नए DSP, नए और दूसरे अफसर, उनको नए वाहन सब दिए। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट बहुत ही क्रांतिकारी बजट है और इसमें पूरी तरह से जो महात्मा गांधी का दर्शन है, गांव का विकास, गरीब का विकास। 365 में से 100 दिन अगर रोजगार दे देंगे तो बाकी 265 दिन युवा क्या करने जाएगा। मुझे लगता है कि जिस 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ये चुनावी आश्वासन दे के आए थे, उसको अगर पूरा करते तो ज्यादा उचित रहता। केवल मात्र क्योंकि 100 दिन रोजगार वो प्राप्त कर लेगा तो बेरोजगारी भत्ता लेने का अधिकारी नहीं रहेगा। केवल मात्र अपने आप को बचाने का प्रयास इन्होंने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के आज राजस्थान में जिस प्रकार दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, राजस्थान में गैंगरेप और बलात्कार अव्वल नंबर पर है। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका से अयोध्या तक श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा का आयोजन शिवरात्रि 1 मार्च से प्रारंभ होगा। इस संदर्भ में स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित बैंकेट हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। एक बहुत बड़ा रूप और जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से सब जगह कवि सम्मेलन करेंगे। रथ यात्रा के रूप में श्री गांधी की पूरी प्रतिमा पूरी जगह पे साथ में चलने वाली है। काव्य यात्रा आयोजित की जा रही है जो 25 फरवरी को अशोक वाटिका श्रीलंका से प्रारंभ होगी। 1 तारीख को 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन श्री रामेश्वरम पहुंचेगी। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका से अयोध्या तक श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा का आयोजन 1 मार्च से प्रारंभ होगा। यह यात्रा श्रीलंका से प्रारंभ होकर देश के विभिन्न प्रांतों से होती हुई अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा में अजमेर से राष्ट्रीय कवि संगम के अजमेर जिला अध्यक्ष ललित शर्मा, उपाध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी सह पत्नी यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही अभिषेक शर्मा भी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा आयोजित की जा रही है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका गए। रास्ते भर में उनके साथ जो तकलीफें रही, माँ सीता का हरण, उस कारण उन्होंने जो वन्य प्राणियों के से, वहाँ के जीव जंतुओं से, वहाँ के पक्षियों से, वहाँ से पशुओं से जो एक साथ और सहयोग लिया और उसके बाद उन्होंने लंका विजय की। लेकिन भाई भरत अगर एक क्षण भी लेट हो गए, एक क्षण भी देरी हो गई 14 वर्ष से, तो भाई भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इस चिंता के कारण भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान से और श्रीलंका से अयोध्या आना स्वीकार किया और वो जब सीधे अयोध्या पहुंचे, इस बीच जो वन प्राणी थे, जो वहां के जीव जंतु थे, वहां के पशु पक्षी थे, वहां के नागरिक थे, उन सभी ने भगवान की वो बाण जो हो रहे थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब भगवान सीधे वहां पहुंच गए, ऐसे में अब जब भगवान श्री राम का भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है, ऐसे कालखंड में राष्ट्रीय कवि संगम ने एक सोच के साथ, हमारे जो राष्ट्रीय कवि संगम के जो पदाधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष जगदीश जी मित्तल राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी भाई ललित जी शर्मा, अजमेर जिला उपाध्यक्ष आदरणीय कमल प्रकाश जी, ऐसे लोगों ने बैठकर ये तय किया कि भाई भगवान श्री राम की एक यात्रा निकाली जाए जो श्रीलंका से अयोध्या जाए। और पूरे रास्ते भर में जिन लोगों ने भगवान श्री राम का सहयोग किया उनके वंशजों को प्रति अब अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। और इसी के तहत यह श्री राम वन पथगमन काव्य यात्रा आयोजित की जा रही है
जो 25 फरवरी को अशोक वाटिका श्रीलंका से प्रारंभ होगी। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन श्री रामेश्वरम पहुंचेगी और वहां से विभिन्न प्रांतों से होती हुई उसी रास्ते पर होती हुई जिससे भगवान श्री राम ने वनगमन किया था, उसी रास्ते से होती हुई 10 अप्रैल श्री राम नवमी के दिन ये अयोध्या पहुंचेगी। 6-7 अप्रैल को पहुंच जाएगी और 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक वहां अखंड 75 घंटे का काव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 10 अप्रैल को इस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। बहुत खुशी की बात है कि श्रीलंका से हमारी संस्था के मात्र 18 लोग इस यात्रा के लिए निकलेंगे और रामेश्वरम में काफ़ी लोग शामिल होंगे, लेकिन श्रीलंका जाने वाले जो 18 लोगों की टीम है उसमें अजमेर के जिलाध्यक्ष और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी भाई ललित जी शर्मा और हमारे जो जिला उपाध्यक्ष हैं कमल प्रकाश किशनानी जी सहपत्नीक इस यात्रा में शामिल होंगे और अभिषेक जी शर्मा इस यात्रा में शामिल होंगे जो श्रीलंका से और यहाँ आएंगे अयोध्या तक। बीच में कमल जी नासिक तक रहेंगे, उसके बाद वो पुनः अयोध्या की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जो यात्रा राम वन गमन पथ काव्य यात्रा जो चलेगी, इसमें रास्ते भर में कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और एक सुंदर सा आयोजन ये राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें हमारे जाने वाले साथियों के प्रति शुभकामना प्रकट की गई थी और सभी ने शुभकामना दी उन्हें कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो और 10 अप्रैल के बाद जब अजमेर स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश किशनानी ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में रात्रि का भोजन समस्त आश्रम वासियों के लिए उपलब्ध कराया। इस अवसर पर आश्रम वासियों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में कंवल प्रकाश कृष्णानी ने अपनी शादी की सालगिरह पर आश्रम वासियों को रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया। इस अवसर पर आश्रम के समस्त स्टाफ सदस्यों व आश्रम वासियों की ओर से कंवल प्रकाश कृष्णानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गयी। सार्वजनिक स्थानों पर जन्मदिन के पोस्टर लगाने पर नगर निगम ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कृष्णगंज थाने में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अपने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना पटवार संघ अजमेर और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू को भारी पड़ गया। नगर निगम अजमेर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत किशनगंज थाने में मामला दर्ज कराया। विनोद जी रत्नू पटवारी संघ के अध्यक्ष है, इन्होंने शहर में इनके जन्मदिन के बोर्ड लगाए, बैनर लगाए जो कि रोड डिवाइडर पर भी लगा दिए, जबकि रोड डिवाइडर तो खुला रहना चाहिए। ये क्या कोई आगंतुक व्यक्ति बाहर से कोई भी आता है तो उसको डायरेक्शन दे के अपने स्थान पे चला जाए। और इन्होंने शहर में सभी स्थानों पे बजरंगगढ़, महावीर सर्कल, फवारा सर्कल, इधर जहाँ भी इन बहुत सारे बोर्ड लगा दिए। फिर हमें ऊपर से हमारे हिसाब से इंस्ट्रक्शन मिले, हमने इनके खिलाफ FIR दर्ज करा। स्वामी हृदयराम जी महाराज के अनुकंपा संत हनुमान दास की प्रेरणा से हांगकांग निवासी रमेश चंद्रानी ने पुष्कर के नजदीक ग्राम वासियों के लिए निशुल्क आयुर्वेद शिविर का आयोजन कराया। स्वामी हृदय राम जी महाराज के अनुकंपा संत हनुमान दास की प्रेरणा से हांगकांग निवासी रमेश चंद्रानी अपनी माता स्वर्गीय किशनी चंद्रानी की स्मृति में आज एक विशाल आयुर्वेद शिविर का आयोजन पुष्कर के नजदीकी ग्राम बांसेली में बांसेली ग्राम पंचायत पुलिस मित्र टीम व समाज सेवी हीरानंद गुलवानी के सहयोग से पंचायत भवन देवरा में किया, जिसमें ग्रामीणों की शिविर में भीड़ देखने को मिली। आज हमारे ग्राम पंचायत बांसेली में साहब आयुर्वेदिक चिकित्सालय का वो विशाल शिविर लगाया गया है, उसमें गठिया बाई बादी पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या ये किडनी में दर्द है, या पथरी है, या श्वास की तकलीफ है, उसकी सारी निःशुल्क दवाइयाँ हमारे यहाँ वितरण की गई है और विशाल ये लगाया गया है। क्या संत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के पावन प्रेरणा से भारतीय सेवा समाज राजस्थान, डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं श्री रमेश जी चंद्रानी
हांगकांग के आर्थिक सौजन्य से आज बांसेली ग्राम पंचायत में यह सेवा शिविर आयोजित किया गया है। यह आयुर्वेदिक सेवा शिविर आज दिनांक 23 फरवरी को बांसेली पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसमें यहां के सरपंच समाज सेवी ओम प्रकाश जी और हीरो गुलावरी साहब हमारे विशेष सहयोगी हैं, जिनकी पावन प्रेरणा से यह सेवा शिविर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।